ये वाला हमने ऑर्डर किया ना, ये वाला क्लासिक में नहीं है क्या? तुम लोग व्लॉग बना रहे हो, बताओ तो व्लॉग बना। वाह भाई वाह। अगर कोई अलविदा वाला देख रहा है तो भाई थोड़ा थोड़ा बेहतर कर, सही कहा ना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आज आप सब लोगों को पता है कि 14 अगस्त की रात है, लेकिन जब ये ब्लॉग डले तो हो सकता है शायद 15 अगस्त लग जाए। तो खैर, जैसे कि हमने कल ब्लॉग बनाया, हो सकता है आप लोगों ने देख लिया, और नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखें। अच्छा, आज जो है दोबारा से हमने कहा कि अपने वादे की पासदारी रखते हुए कि हमने आपसे कहा था कि ब्लॉग आएगा कल भी, तो इसीलिए आज भी हम लोग निकले थे ज़रा आउटिंग पे दोस्तों के साथ। अभी आपको मिलवाते हैं, तो हमने कहा एक ब्लॉग होना चाहिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं भाई? आज हम जा रहे हैं अलविदा। कैमरा आपके ऊपर जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं अलविदा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपने सुना ही होगा, बहुत मशहूर नाम है उसका। अच्छा खासा उसका स्पेशलिटी क्या है? लेटर है और टर्किश टाइप कोई डिश है, राइस के साथ कबाब वगैरह है, बहुत नाम सुना है। वहाँ जा रहे हैं, इधर भी मुलाकात कर रहे हैं आप। ये हमारे ड्राइवर साहब, भी सब मौजूद है साथ। नौफिल आप जानते हैं सब, ड्राइवर क्या बोलते हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है। तो चले इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एंजॉय कराते हैं। आप ट्रैफिक चेक करें भाई, पता था कि आज यहाँ पे इतना रश होगा। यहाँ पे ये धमकल पे भी होता होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं उस तरफ फूड स्ट्रीट है छोटी सी, तो ये ट्रैफिक जो है ना इसने बड़ा मसला कर दिया। अबे बात तो सुना, अगर बारिश हो गई फिर हम क्या करेंगे? बढ़िया पे ही भाई। देखो यार, बारिश की प्रिडिक्शन तो है, अगर होगी तो वही। और बॉस कराची है यहाँ तो, दो मिनट के अंदर कश्तियाँ निकल आती हैं, इतना पानी आ जाता है। हाँ, इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं? अल्लाह मालिक है यार। अबे भाई क्या बोल दिया इसको, चुप हो गया बिल्कुल। बोल ले भाई, बोल ले कुछ। नहीं है क्या तुम लोग व्लॉग बना रहे हो, बताओ तो व्लॉग बना। वाह भाई वाह वाह, तुमने फ्लैश, आप लोग फ्लैश कर रहे हैं, इतनी देर से वीडियो बन रही है और बोल रहे हैं मुझे पता ही नहीं व्लॉग हो रहा है। अभी इंट्रो कर रहा है पूरा। वो तो मुझे पता था उस वक्त बन रही है, अब तुम इससे पहले जो तुमने क्लिप बनाई है उसमें मुझे पता ही नहीं था क्या बना रहे हो। अभी तुमने फ्लैश खोला हुआ तो बंदे को पता चला। अच्छा चलो बोलो, क्या बोलोगे तुम? क्या बोलूंगा आप बताओ यार, ये ट्रैफिक का बताओ जो तुमने गलती करी है। वो मैं माजर हूँ भाई, बस बस हम ये करवाना चाह रहे थे, हम यही करवाना चाह रहे थे भाई, ये गलती मान लो। हाँ बस वो ब्लॉग पे तो मानेंगे। हाँ ये आप लोग देखें ये इस बंदे को, फिर मैं अपनी गलती। हाँ ये पता है, तुम्हारा पता है भाई, कराची है यहाँ पे, आप यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ और जगह। कराची है भाई, कराची कराची है भाई। बस दुआ ये है कि यार बारिश नहीं हो, जब घर पहुंच जाए फिर हो जाए, फिर पहले मसला नहीं। तो बातें करते ना, वो अपना मोबाइल चिलिंग्स दिखाएंगे। वाइब्स ही वाइब्स। चलें भाई, क्या हुआ भाई? हां तो भाई जगह मिल गई, बाहर ही मिल गई, क्या करें। चल भाई बाहर हो गई है, आ जाओ चलते हैं फिर हम। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अलविदा पे, और जो है ना यहाँ पे इस वक्त जो है हमें आते ही जो है ना टेबल जो है वो मिल गई है। मतलब उमर भाई ने हमें बताया था कि यहाँ पे, हाँ मैं भी दिखाता हूँ ना, अभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कितना रश है। और जैसे कि हमें पता लगा था कि यहाँ पे काफ़ी रश होगा, और काफ़ी रश है, लेकिन हमें टेबल मिल गई है, उसकी कहानी हम जानते हैं इनसे। तो चलिए भाई ये बताओ, आपने पहले से रिजर्व करा दी थी? अरे भाई मैं तो डायरेक्ट आया हूँ, मैंने अपना नाम शक्ल दिखाई है, उसने बोला आपके लिए टेबल रेडी। ओ काम कौन आया, मैं ये तो पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट ये ही है। रश देख ले आप, रोड पे आप देख ले, आप लोग चेक करें रश। अब यहाँ पे फैमिलीज वगैरह बैठी हुई है ना, तो इस वजह से मैं पूरा कैमरा नहीं घुमा रहा हूँ, मतलब मैं आप लोगों को जितना दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से शोर भी तो आ रहा होगा ना। रश बहुत है, रश बहुत है आज। आज 14 अगस्त भी है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो सवाल संडे भी है। हाँ संडे भी है, तो सवाल भी ना बहुत बहुत रश है। चलो यार, आप लोगों ने कुछ ऑर्डर कर दिया यहाँ पे? हाँ भाई ये ऑर्डर किया क्लासिक प्लेटर 4 पर्सन के लिए। हम ये ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन इसमें असल में सिर्फ है कबाब। अच्छा, हमें बोटियाँ कबाब दोनों चाहिए। ये वाला हमने ऑर्डर किया ना, ये वाला क्लासिक में हमने 4 पर्सन वाला जो है प्लेटर ऑर्डर किया है। सो अभी चेक करते हैं, पिक्चर तो ऐसी बनी हुई है, बड़ी लजीज। इनकी आते देंगे आप बुलबुल्ला पड़ी है। तो भाई अभी जो है ना
उम्मीद है जो है पुरजम है इंशाल्लाह अच्छा होना चाहिए प्लेटर सही है वरना आप होगा लेकिन पेट भरने के लिए आप पता नहीं हम तो छह वाला करते कर रहे थे चार तो भाई अब ये जो है ना अभी हम जो है चार वाला हमने मंगवाया है बाकी उसके बाद दो वाला ऑर्डर ना करना पड़ गया आपको समझ भी नहीं आया तो सामने उमर भाई ने बोल लिया मैं बैठा हूँ तुम टेंशन किस बात की ले रहे भाई क्या हो गया क्या मसला है ये क्या कर रहे हो करके तो दिखाओ ये इनका पंपलेट है किसी काम का नहीं बस ये लिखा हुआ तीन नहीं किसी काम का तो ये इससे तुम पंखे चल रहे हो क्या हुआ फैन लगा देता है बंदा कुछ कर देता है बस ये है कि इनका खाने पे डिपेंड करता है हमने जमीर अंसारी वहाँ चले अभी सोच रहा हूँ हाँ भाई आप यहाँ बैठी ये देखो बंद आप लोग एक चीज नोट करें जो बंदा लेकर आया था ना उसकी शक्ल देख जिसकी रिकमेंडेशन पे हम लोग आए यहाँ पे तो खाने का इंतजार है मुझे पता है यहाँ पे बैठने का बाहर ही है लेकिन कोई भाई सारा सीन ये है बस खाने के भाई खाने का हम वेट कर रहे हैं अगर अच्छा हुआ तो बस खाना इंशाल्लाह आपको दुआएं मिलेंगी वरना फिर आपको बुरी हो गई है यार पसीने रहे हो कितने हो रहे हैं हम पंखे एक्सचेंज कर रहे हैं ये भी बस गुजारे लाएगा क्या करें लाई तो फाइनली जो है ना हमारा प्लेटर आ चुका है और जो है ना इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ बंद करो तुम अभी बंद करो जज्बाती आदमी सही है ना ये आ चुका है अभी मैं आपको इसके सिनेमैटिक चेक करा जो है ना खाना आ चुका है और जो है ना अब हमसे जो है वेट नहीं हो रहा है यहाँ पे लोगों ने निकालना भी शुरू कर दिया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये देखें भाई तो जो है ना आप खाना खाते हैं तो आप बताइएगा ये कौन कौन से आसमानी बूटी है कौन सी आसमानी बूटी ये रेड बूटी है अच्छा ये शिस्तो बूटी है एक मलाई बूटी है मलाई बूटी ये वाली है क्रीम लगी हुई जो मलाई अच्छा अच्छा ओके ये हमारा चुल्लू कबाब है चुल्लू कबाब है जी जी ये चुल्लू कबाब और ये रेशमी कबाब है जो कि आप सबकी प्लेट्स में आ चुका है जो हमारी यखनी राइस है यखनी राइस है और ये टर्किश प्लेटर है टर्किश प्लेटर है ओके थैंक यू सही है भाई तो अभी हम इसको ट्राई कर रहे हैं आप लोग देखें आगे बताते हैं 40 मिनट्स लेटर बैठे बैठे थैंक यू अंकल ओके थैंक यू नहीं रहो ना ये लीजिएगा अंकल थैंक यू ओके वापस आ जा भाई बैठ जाओ बॉस पीछे देख गेट किसका बननी है मेरा तो बन भाई तो अभी हमने जो है खाना वगैरह खा लिया है और अभी हम लोग वापसी के लिए निकल चुके हैं अगर आप रिव्यू पूछते हैं तो भाई मेरा ये रिव्यू है कि खाना जो था ओवरऑल प्लेटर जो था पूरा टेस्ट के हिसाब से 10 out of 7 कह लें 10 out of 7 था और एम्बियंस तो बिल्कुल ही बेकार भाई माजरत के साथ अलविदा अगर आप देख रहे हैं बड़ी बेकार है उसको सही कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका आप क्या बोलते हैं भाई मेरे हिसाब से तो 8 out of 10 है खाना और भाई उनके टिक्के इतने खास नहीं थे बाकी सब अच्छा था चावल भी अच्छे थे टिक्के तो भाई मेन काम कर रहे थे ना उसमें हाँ ये तो है लेकिन कबाब वगैरह अच्छे हाँ एक जो मेरा फेवरेट उसमें रहा ना वो जो आप व्लॉग में देखा आपने वो जो क्रीमी मलाई बोटी थी आई थिंक क्रीमी मलाई बोटी वो अच्छी थी हाँ भाई भाई सारी बात ये है कि जैसा आदिल भाई ने बोला ना 8 of 7 तो अपना जो मेन चीज़ें थी ना तो अपना वो तो उन्होंने कम डाली हुई थी बाकी उन्होंने जो कबाब कौन से थे वो बीच में चुल्लू कबाब रेशमी कबाब वो दोनों 10 out of 10 थे बाकी तो बस और हम कुछ कह नहीं सकते जो जिस तरीके से उन्होंने बाहर बैठाया हुआ था तो वो तो आपने ब्लॉग में भी देखा भाई मैं ये कहूँगा कि जो कबाब जैसे कि अभी नौफिल ने बोला कि जो रेशमी कबाब थे और दूसरे कौन से थे चुल्लू कबाब वो अच्छे थे और ये टर्किश प्लेटर था बाकी
ब्लॉग पसंद आया आपको तो ज़रूर शेयर वगैरह करें और जो है लाइक करें, कमेंट करें, हमेशा की तरह प्यार दिखाएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं। कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगर वहाँ गए हैं तो आप लोगों का रिव्यू कैसा है। ये तो ऐसा सपोर्टर बना हुआ है भाई, भाई मुझे जब पसंद है मैं तो मार्केटिंग करवाने के लिए मैं तो खाने के लिए जाऊंगा ना भाई, जब मैं खाने के लिए जाऊंगा तो मैं खाना ही देखूंगा। सही बात है, सही सारी बात। तुम रोड पे बैठ के खाओगे? अबे भाई वो रोड पे हम लोग ब्लॉग एंड करते गर्मी हो रही थी ये बोल रहा था।